आज हम आपको लेथ मशीन के काम के बारे में बताएंगे। ये हमारा बाउल है V6 पंप का, ये है 30 हेड का। अब हम इसे 40 हेड का बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बनाए ये देखिए। ये हमारा एम्पुलर है 40 हेड का। अब ये इसमें फिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, हम इसी बाउल को, इसके लिए इसका बाउल अलग से आता है, हम क्या करेंगे, हमारे जो 30 हेड के जो बाउल रहते हैं उसी को हम 40 हेड के देंगे। तो हमको इसमें लेथ मशीन पे इसका काम करना होगा। देखिए ये अभी इसमें, ये देखिए, ये हमारा इसमें फिटिंग नहीं हो पा रहा है। ये जो हमारी कॉलर है ये इसकी बड़ी है, तो हमको क्या करना होता है, देखिए हम आपको लेथ पे इसका काम करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको पहले तो हमारे थ्रू चक, लेथ पे जो थ्रू चक आता है उस पे इसको पकड़ते हैं। तो हमको उल्टे गुटके में इसको पकड़ना है, ये देखिए अंदर की साइड से इसको पकड़ना है ताकि ये थ्रू आ जाए। अब थ्रू आने के बाद में ये देखिए इस प्रकार से हमको इसको पकड़ना है। ये देखिए अब हमारा ये थ्रू चक था, तो इस पे हमारा ये थ्रू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें इस प्रकार से कट लगाना पड़ेगी, ये देखिए। देखिए इस प्रकार से हमको इसमें कट लगा देना है। ये देखिए अब ये हमारा एम्पुलर इसमें आ जाएगा, ये देखिए। ये हमारा एम्पुलर इसमें आ गया है। हमको करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज करना होता है। हमको एम्पुलर के हिसाब से इसमें कट लगाना है। हमारा एम्पुलर जो है वो इसमें सही से आ जाना चाहिए, इसमें हमको कट लगाना है। ये देखिए हमने इस पे एक कट लगा दिए, ये देखिए हमारा एम्पुलर पूरी तरह से आ गया। अब ये पहले था 30 हेड का, अब ये 40 हेड का बना दिया हमने इसी बाउल को। 30 हेड के बाउल को ही हमने 40 हेड का बना दिया है। तो ये आप भी कर सकते हो, ये तो नया बाउल था, आप पुराने बाउल में भी ये साइज बना सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। ये 40 हेड के
पीवीसी के एम्पुलर डाल सकते हो, इसमें एसएसके भी आते हैं, चद्दर वाले एम्पुलर भी आते हैं, ये हम पीवीसी का इसमें डालेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम आपको ले बनाते रहेंगे। इस प्रकार से आप 30 हेड के पंप को 40 हेड का बना सकते हो।